न्याय की महत्ता जो गांधी के जीवन का मूल संदेश है, अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य, ये सब अगर पीछे भी छूट जाए तो गांधी पूरे विश्व के लिए अन्याय के खिलाफ न्याय की तलाश में समर्पित एक जीवन यात्रा का भी नाम है। तो गांधी के जीवन के जो संदेश थे, जो उनके जीवन का निष्कर्ष था, वो नई पीढ़ी तक आने की ज़रूरत है। गांधी के साथ एक बड़ा अन्याय ये है कि हम उनको बराबर महात्मा के रूप में पेश करते हैं, जबकि उनका जीवन क्षुद्रता से श्रेष्ठता की तरफ यात्रा की कहानी है, असफलता से सफलता की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, भोग से त्याग की तरफ, और बहुत ही क्रूर पुरुष से बहुत ही सहृदय मानव मात्र बनने की कहानी है। स्त्री प्रसंग हो, धर्मों की टकराहट हो, गरीबी से मुक्ति हो, प्रकृति संरक्षण और विश्व में हिंसा से अहिंसा की तरफ प्रस्थान, इन पांचों मोर्चों पर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इन लड़ाइयों में गांधी मार्गदर्शक की तरह से खड़े दिखाई पड़ते हैं। उनके प्रयोग हमारे लिए प्रस्थान बिंदु की तरह दिखाई पड़ते हैं और उनका विचार हमारे लिए प्रकाश स्तंभ जैसा है। अब ये अलग बात है कि दुनिया में भारत समेत कहीं भी गांधी की संपूर्णता में प्रासंगिकता के उदाहरण साबरमती आश्रम में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन गांधी के दिए हुए सूत्रों से, उनके दिए हुए अस्त्रों से, अन्याय से न्याय की तरफ प्रस्थान के अनगिनत उदाहरण हो गए। भारत में तो गांधी के बाद लोहिया जयप्रकाश से लेकर के अरुणा राय, मेधा पाटकर ने तो काम किया ही है। दूर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने, जो ईसाई पादरी थे, उन्होंने कहा कि जीसस ने तो हमें सपना दिखाया था, भारत के गांधी से हमको रास्ता मिला।